से आया जी हमारे गांव से, मैंने दोनों बहन भाई स्कूल में जा रहे थे जी, तो आगे जो देवधर से पहली मोड़ आते हैं जी, एक वहाँ पर रेलटी भी कटती है हमारे, तो खनन का काम है जी, गड्डी आती है, तो जो साइड में से जा रहे थे तो गड्डी ने साइड मारी, तो लड़की भी सड़क के नीचे गिर गई और लड़का इधर साइड में, लड़की वो बेटी हो गई, तो लड़की तो जी, तो लड़का भी थोड़ा बच रहा जी, तो ठीक है हॉस्पिटल में उठा के लेते गए थे। तो आपको कैसे सूचना मिली? हमें जी भी पड़ोसी को उन्होंने बताया, जो भी आने जाने वाले थे उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया, हम गए वहाँ से भागे थे दोनों से, देखा जाएगा मेरे से। तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया जी, पुलिस वैसे वहाँ पर पहुँच गई थी जी, जिसने भी यहाँ पर हम वो गड्डी तो वहाँ पर खड़ी है जी, वो ड्राइवर भाग गया था जी गड्डी छोड़ के। तो आपकी क्या मांग है? हमारी प्रशासन से ये मांग है जी, देखो हमारा तो खनन का काम है, हमारे जोन में खनन का काम है, तो उससे इतने हादसे हो गए हैं कि हम उसको कुछ बयान नहीं कर सकते जी, कितने हादसे हो गया जी, ये भी पहले भी आया था जी, दोनों हस्बैंड दोनों की गुजर गए थे, अभी एक्सीडेंट में जी गड्डी के नीचे आए थे जी। तो हमारी तो प्रशासन की ये मांग है कि हमारे गांव में जो भी ये रास्ता जा रहा है, इस रोड पे कोई भी गड्डी ना आवे हमारे जोन में, रस्ते और भी आए उन रस्ते से लिकट जाए, हमसे ये कहेंगे इस रोड को कभी गड्डी की जो भी और रोड है उसके लिए बंद कर दो।